मोटोरोला का टर्बो 2। इसका एलसीडी जो है वो गोरिल्ला ग्लास दिलावा होता है, और मतलब अगर गिर जाए तो फिर ही नहीं है इसकी एलसीडी, या तो लाइन आ जाती है या तो फिर स्पॉट आ जाता है, लेकिन एक एलसीडी जो होती है वो पूरी चली जाती है, वो नहीं जाती इसके अंदर। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी 3/32 है, प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है और पीटी अप्रूव्ड है। इसकी प्राइस जो है हम यहाँ पर बेचते हैं तकरीबन 7,000 से लेकर पीस हैं। इसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, शेड वाले अलग हैं, फ्रेश अलग हैं, स्पॉट वाले अलग हैं, लाइन वाले अलग हैं, कंडीशन वाले अलग हैं। तो ये समझ लें कि 6,500 रुपये से लेकर 7,500-8,000 रुपये तक बिकता है, जिस हिसाब का पीस हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादवान फ्रॉम डेली इन्फॉर्मेटिव फीके, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। काफ़ी सारे कमेंट्स हैं एंड्रॉयड मोबाइल को भी लेकर आएँ, तो एंड्रॉयड मोबाइल की वीडियो आपके पेश खिदमत है। तो खुर्रम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बाय द वे मैं स्टार सिटी मॉल में इस वक्त मौजूद हूँ, इनकी शॉप एड्रेस भी आपको बता देंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो आएँ खुर्रम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुर्रम भाई कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? मैं लेता हूँ अभी फ़िलहाल स्टार्ट सैमसंग के मोबाइलों से। सैमसंग के बेसिकली एक ये मोबाइल है सबसे छोटा और अच्छी रेंज है इसकी, अच्छे पैसों में है। ये 1GB 8GB के अंदर है और इसका LED है, LCD जो है इसके LED उसमें है, ग्राफिक्स इसकी बहुत अच्छी है। और ये है 1GB 8GB में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तकरीबन ये आपको पड़ेगी 5500 रुपये की, ठीक है। और ये अगर जैसे स्टार सिटी के अलावा, होल सेल के अलावा, अगर आप कहीं और दूसरी मार्केट जाते हैं तो ये 6,500-7,000 रुपये का इजीली बिकता है। तो ये खुर्रम भाई क्या इंपोर्टेड होते हैं? जी ये अमेरिकन इंपोर्ट होता है। एक इसी में ही सैमसंग का ये J7 है, ये 2015 है, ये 2GB 16GB है। इसकी भी LED है, LCD की जो ग्राफिक्स है वो भी बहुत अच्छी है, LED की ग्राफिक्स बहुत अच्छी होती है और चलने में भी बहुत अच्छा है, स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है इसकी। और प्राइस जो है इसके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, 8,300-8,400 रुपए का हम यहाँ पे सेल करते हैं और ये बाहर मार्केट में तकरीबन 10,000-10,500 रुपए का बिकता है। ज़बरदस्त प्राइसेस हैं। तो खुर्रम भाई इसके अलावा आप लोग वारंटी क्या देते हैं, मतलब अगर कोई लेके जाए? सर ये बेसिकली वारंटी जो होती है ना, जो क्लेम करते हैं, जो मतलब एक तो दुकानदार ये होता है कि एक तो मंथ की वारंटी दे देते हैं, 1 वीक की वारंटी दे देते हैं, वो ये होता है कि क्लेम बहुत मुश्किल होता है, फिर वो रुलाते हैं कस्टमर को ना, तो हमारी वो आदत नहीं है। हम वारंटी भले कम देते हैं लेकिन कस्टमर को बोलते हैं उसी टाइम पीरियड में, या तो अगर आप नहीं आ सकते तो उस नंबर पे हमें कॉल करके बता दें ताकि हम हमारे जहन में ये बात रहे। उसके अलावा भाई है कि सैमसंग है, ये भी नॉन अप्रूव है ग्रैंड प्राइम, इसकी भी LED जो है, ये LCD है इसके अंदर, इसके ग्राफिक्स जो हैं वो LED वाले ही हैं, इसकी बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये एक तो इसमें आता है चाइना बोर्ड, ये चाइना बोर्ड नहीं है, ओरिजिनल अमेरिकन बोर्ड है। ओके फ़ोन है बिल्कुल। स्पेक्स क्या है इसके? स्पेक्स जो हैं वो 1GB 8GB है और ये नॉन अप्रूव है, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 4500 का। ये है J3 2018, इसके अंदर भी LCD नहीं है, LED है, इसके भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। ये जो है 2GB 16GB, ये भी नॉन अप्रूव्ड है। ये हम यहाँ पर बेचते हैं 6,200-6,300, यहाँ से जाने के बाद ये फिर बिकता है नॉन अप्रूव के अंदर ही 7,500-8,000 रुपये का। इसकी भी बहुत अच्छी प्राइस है, ये होलसेल है, बहुत 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 सारे लोग आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। हमारा बेसिकली काम जो है ज़्यादातर दुकानदार ही आते हैं, और कस्टमर अगर कोई आ जाए तो फिर उसको दे देते हैं। होलसेल प्राइजेज हैं, प्राइजेज हैं, कस्टमर भी हमसे बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं यहाँ से कि यार आपके प्राइस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक ये चीज़ है सैमसंग की 2GB 16GB J7 Prime, ये भी LED स्टॉक है, बहुत अच्छी है, इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारी चीज़ है ये, और कस्टमर इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन के अंदर है। ये भी नॉन अप्रूव्ड है, ये बेसिकली बिकता है तकरीबन 7,000-7,300-7,400 रुपये तक का। जी हाँ। और अब आते हैं हम सैमसंग, हमारी कैटेगरीज ख़त्म हो गई, अब हम आते हैं मोटोरोला के अंदर। सही है, मोटोरोला पे ये चीज़ है Z3 Force, ये है 4GB 64GB, LED है इसके अंदर भी, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी ग्राफिक्स हैं। इसके अंदर फेस अनलॉकिंग भी है, साइड पे फिंगर भी दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा स्नैपड्रैगन जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और पबजी वगैरह जो है बेसिकली यहाँ पर लोग जो है इसको पबजी वगैरह के लिए अंदर बहुत लाइक करते हैं इसको,
और एक ये है मोटरोला का। ये प्राइस जो है इसकी भाई ये तकरीबन 18,500 से लेकर 19,500 तक बिकता है। यहाँ के दुकानदार जो हैं वो 19,500 तक का भी बेचते हैं, लेकिन हम 18,500 तक का बेचते हैं इसको। और यहाँ से जाने के बाद जब ये बाहर मार्केट में जाता है तो ये तकरीबन 20,000-22,000 रुपये तक का बिकता है। मतलब कम पैसों में अच्छी चीज़ है। जी कम पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। एक ये चीज़ है E5 Plus, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3/32 है। ये भी मतलब पबजी वगैरह के लिए अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बैक पे फिंगर दिया हुआ है, अंदर फ्रंट पे इसके फ्लैश भी दिया हुआ है और कैमरा वगैरह भी बहुत अच्छा है और लैकिंग वगैरह की कोई कंप्लेन नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें ये भी PTA अप्रूव्ड हैं, ये नॉन PTA नहीं है, PTA अप्रूव्ड है, ठीक है। और फिर ये इसकी प्राइस जो है तकरीबन 12,500 रुपये तक है। और ये है, ये इसी का ही छोटा है, ये Z3 Force है, ये Z2 Force है। ये भी पबजी वगैरह के लिए अंदर बहुत बिकता है। ये 4GB 32GB 64GB है, प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, फ्रंट पे फ्लैश भी दिया हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ है। लैकिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नैपड्रैगन वगैरह भी बहुत अच्छा है और पबजी ऐसा चलता है जैसे इसमें दौड़ता है। गेमर्स के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन फ़ोन है। हमारा खुद दुकान का लड़का है, वो भी गेम के लिए यही फ़ोन यूज़ करता है। और एक ये है, ये तो दिखा दिया, एक ये है मोटरोला का, ये लोअर प्राइस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, 3GB 32GB मोटरोला का Turbo 2। ये चीज़ जो है बहुत प्यारी है, इसका LCD जो है वो गोरिल्ला ग्लास दिलावा होता है और मतलब अगर घिर जाए तो फिर टूटती नहीं है इसकी LCD, या तो लाइन आ जाती है या तो फिर स्पॉट आ जाता है, लेकिन एक LCD जो होती है वो पूरी चली जाती है, वो नहीं जाती इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग हमसे लेके जाते हैं, जो जिन्हें अपने वालिद साहब को देना होता है, जिन्हें अपनी मदर्स को देना होता है, जो ज़्यादा गिरते हैं उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ चलती है। जिन्हें अपने बच्चों को देना होता है तो वो भी यही लेके जाते हैं। मैं बेसिकली मेरे घर पर भी यही फ़ोन चल रहा है मेरे अपने पास, तो मैं बहुत ज़्यादा फेंकता हूँ, तो मेरे में एक प्राइवेट अपना पर्सनल ये रफ़ यूज़ के लिए मैंने यही रखा हुआ है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी 3/32 है, प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है और PTA अप्रूव्ड है। इसकी प्राइस जो है हम यहाँ पर बेचते हैं तकरीबन 7,000 से लेकर पीस हैं। इसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, शेड वाले अलग हैं, फ्रेश अलग हैं, स्पोर्ट वाले अलग हैं, लाइन वाले अलग हैं, कंडीशन वाले अलग हैं। तो ये समझ लें कि 6,500 रुपये से लेकर 7,500-8,000 रुपये तक बिकता है, जिस हिसाब का पीस हो। एक ये है E4 मोटरोला का मेटल बॉडी, एक तो इसमें आता है प्लास्टिक बॉडी, ये आता है, ये है मेटल बॉडी। ये E4 Plus जो है वो 3/32 के अंदर है, उसका ये मिनी है 216 वाला E4। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके फ्रंट पे फिंगर भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और फ्रंट पे फ्लैश भी दी हुई है, 216 है और इसमें भी लैकिंग प्रॉब्लम नहीं है और LCD के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, चलने में भी बहुत अच्छा है। और ये तकरीबन हम यहाँ पर बेचते हैं 7,000 से लेकर 7,500 तक का, जिस हिसाब का पीस हो, कंडीशन के हिसाब से। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से। तो खुर्रम भाई अपना नंबर आपको बता देते हैं, जिस किसी ने भी अगर लेना हो तो वह इनसे रब्ता कर सकते हैं। 03212068121 मेरा नंबर है। किसी को भी कॉन्टेक्ट करना हो, शॉप 12 बजे से लेकर, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो तकरीबन 8 बजे तक, जब तक गवर्नमेंट खुला बैठने दें, जब तक बैठते हैं, फिर उसके बाद बंद करा देते तो फिर घर जाना पड़ता है, सही है। फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट करके लोग आ जाएं, भले जब जिसे आना पड़े। एड्रेस जो है शॉप स्टार सिटी मॉल के अंदर है, 2nd फ्लोर 220 नंबर शॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।